अरे यार मैं ही नहीं बच पाता। मेन बात मेरे को पता है, इनको डॉच करना आना चाहिए। मैं डॉच कर पाऊंगा ना तो ही कुछ हो पाएगा। मैं तो इसकी एक बार भी हेल्प तुम नहीं करी हम लोग ने। एक काम करता हूँ गाइस। अरे हेलो गाइस, आप आ चुके हैं नई वीडियो में। तो आज हम खेलने जा रहे हैं फिर से दी फार्मर। तो आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि मैंने एंड में जाके ग्राइंड टेल पकड़ा था, और आज के एपिसोड में हम करने वाले, हमारा जो बिल्ड है मतलब जो हमारा बेस है उसको हम लोग बहुत अच्छा बिल्ड करने वाले हैं। और ऊपर से हम लोग ने एंड में आपको बोला था कि हम लोग पैंकिंग को मारेंगे। सबसे पहले पैंकिंग को मारेंगे, और उसको मारने का ट्रिक भाई इतना इजी था, मतलब मेरे पास हो के भी मैं उसे नहीं मार मारा था। मेरे पास अच्छे पॉकीमोन थे, मैं सोचा था लाइट एटैक पॉकीमोन चाहिए रहेंगे उसके लिए, बट उसके लिए एयर टाइप पॉकीमोन भी बहुत अच्छे होते हैं। जैसे मैं इंटरनेट पे देखा, वहां पे नाइट विंग भी बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो आज हम लोग नाइट विंग से फाइट कराएंगे उसकी। तो चलते हैं फटाफट गेम के अंदर। तो यहाँ पे वर्ल्ड चालू हो चुका है हमारा बहुत प्यारा सा, और वहां पे भाई कितना प्यारे से भाग रहा है भाई ये डिनोसॉर। बट डिनोसॉर 15 लेवल का क्यों है भाई? हमारे पास डिनोसॉर एक अच्छा लेवल का भी था, 15 लेवल का ही है हमारे पास। आई डोंट नो भाई, एक और डिनोसॉर पकड़ा था हम लोग ने 17 लेवल का, पता नहीं कहाँ गया। बट मैंने क्या बोला था, हम लोग आज मारने वाले हैं पैंकिंग को। सबसे पहले भाई पैंकिंग के पास ही चलते हैं, उसे चटाते हैं हम लोग धूल। अरे कहाँ है हमारा सी, कहाँ है भाई ये पैंकिंग? और यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने कैटरस भी खुल चुकी है, मतलब ये सब मैंने एक्सप्लोर किया था उसी एपिसोड में। और ये रहा ग्राइंड टेल जिसको हमने मारा था 17 लेवल का। तो भाई 15 लेवल क्यों नहीं मरेगा? ऑफ कोर्स मरेगा। आ जाओ आपको बताते हैं कैसे मरेगा। क्योंकि जो फायर टाइप होते हैं ना उसके लिए वाटर टाइप या आइस टाइप ज्यादा वो करते हैं अटैक, और जो ग्राउंड टाइप होते हैं उसके लिए एयर टाइप ज्यादा अटैक करते हैं। और मतलब जो आइस टाइप होते हैं ना उसके लिए एयर टाइप भी करेंगे, और साथ में क्या होते हैं ग्राउंड टाइप भी अटैक करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हो एयर टाइप के लिए पॉकीमोन है नाइट विंग, और मैं पहले से सेट करके आया हूँ नाइट विंग को। भाई पहले से खाना खा ले, पता चले अंदर भूख लग जाए, वाट लग जाएगी। हमारी नाइटविंग की हेल्थ थोड़ी सी कम, बट इट्स ओके, उसके अटैक से बचाने तो है हमें, हम बचा लेंगे। और इस बार तो भाई ये कैप्चर होने वाला है। मेरे पास कितनी पॉकी बॉल है? मेगा पॉकी बॉल है क्या? मेगा 4 पॉकी बॉल है भाई, ये तो पक्का कैप्चर होने वाला है भाई। चलते फटाफट अंदर, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुआ हूँ भाई कि मैं मारने वाला हूँ फाइनली नाइटविंग को। जा भाई अटैक कर दे, अटैक लेट्स गो। मेरे को खाली उसको बचाना है अटैक से, और यहाँ पे बेचते रहना है अटैक पे, ठीक है? यहाँ पे आराम से देख लेगा नाइट में, और मेरे को खुद भी बचना है यार, मेन बात तो ये है। अरे यार मैं ही नहीं बच पाता। मेन बात मेरे को पता है, इनको डॉच करना आना चाहिए। मैं डॉच कर पाऊंगा ना तो ही कुछ हो पाएगा। मैं तो एक बार भी हेल्प तुम नहीं करी हम लोग ने। एक काम करता हूँ गाइस, अरे और उसको मारने का ट्रिक भाई इतना इजी था। स्टार्टिंग में ही पोपट कर दिया भाई हमने, बट इट्स ओके, मैं इसको मार दूंगा आराम से, मुझे पता है कैसे मार रहा है। अपने थोड़ा सा क्या करते हैं, बिल्ड बना लेते हैं, फिर बाद में आके पैंकिंग को मारेंगे। पैंकिंग के लिए हम लोग को हेल्थ चाहिए रहेगी, टेंशन मत लो भाई, मैं इसी एपिसोड में ही पैंकिंग को मारूंगा भाई। मैं 3-4 एपिसोड से बोल रहा हूँ अगले एपिसोड मारेंगे, अगले एपिसोड में मारेंगे, बट भाई इस एपिसोड में मार खाने ही वाला चाहे जो हो जाए। तो एक काम करते हैं फटाफट जाते हैं हम लोग। ये पैराशूट यार बहुत जल्दी स्टेमिना खाता है, अपने को स्टेमिना ही बढ़ाना पड़ेगा इसके लिए। और पहले हम लोग अपना बेस थोड़ा सा अच्छा बिल्ड करते हैं, तब तक हमारे पॉकीमोन्स की भी हेल्थ बढ़ जाएगी। और खाने की बात है तो खाना खिला देते पहले पॉकीमोन्स को अपने, वो खाना पूरा खाया ही है। नाइट विंग को जरूरत है, नाइट विंग को क्या ही खिलाएंगे भाई, बेरीज उठा लेते हैं फ्री की जो मिल रही है। इसमें ही पड़ी होगी भाई, इतनी सारी बेरी पड़ी है, उठा लो भाई क्या जा रहा है। तो फटाफट एक काम करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे पूरा डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा पहले तो यार। तो पहले सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हैं, एक सेकंड गाइस, मैं खाली यहाँ पे देख रहा हूँ इसे अपग्रेड करने के लिए क्या चाहिए। इसको खाली कूलर बनाना है, तो एक काम करते हैं कूलर बनाते हैं। कूलर के लिए क्या चाहिए हम लोग को? आयरन इंगट 20 चाहिए, और 5 आइस टैप चाहिए। मतलब आइस टैप तो पेंगुलेट को मारने पड़ेंगे तो उसके अंदर से निकल जाएंगे, बट आयरन इंगट 20 चाहिए भाई साहब, बहुत टाइम लगने वाला है। यहाँ पर मेगा स्पीयर बनी रखी है, उठा लेते हैं फटाफट। तो चलते हैं भाई फटाक से उसको लेने के लिए। आयरन इंगट यहाँ पे उगते तो है, हाँ वहाँ पे देखो, वहाँ पे 1-2 उग रहा है, उसके अंदर से पता नहीं कितना मिलेगा, और भाई बहुत टाइम लगता है आयरन इंगट में। तो भाई काम करता हूँ फटाफट सारा सामान लेता हूँ, फिर आपको मिलता हूँ। भाई ये क्या है, इतनी जल्दी इसको पहले लगा रहा था मेरे को भाई। अरे अरे खुश हो रहा है भाई वो आगे पेड़ पौधे।
एक काम करते हैं, फटाफट हम लोग पहले बनाते हैं मैट्रिक्स एक्स, या तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कूलर बना दूँ ताकि मैं अपग्रेड कर पाऊँ, और मैं एक और ये मतलब पाल बॉक्स बना पाऊँ। तो मैं पाल बॉक्स बना पाऊंगा तो मैं यहाँ से दूर लेके जाऊंगा भाई। इधर अपना बेस ये ठीक है, छोटा सा ठीक है, अपना छोटा सा बेस रहेगा, बट वहां पे भी आके हम लोग बहुत बड़ा बेस बनाने वाले हैं, बहुत अच्छा बेस बनाएंगे। प्लेस ढूंढेंगे कोई एकदम मस्त सी प्लेस मिल जाए। उसका पूछ ही रहा है और ये कंटिन्यू मारता है भैया, रुकता ही नहीं है वो लौंडा अपना। ठीक है भाई, बहुत जल्दी बना रहे हैं। अगर ये पता रहता मैं फॉक्स को भी लगाता ही नहीं, इसी को लगाता स्टार्टिंग से। बहुत जल्दी काम करता है भाई ये लौंडा अपना। नाइस नाइस, बहुत प्यारा काम करते हैं कूलर। अरे यार अभी भी हम लोग को चार और चाहिए। ठीक है कोई ना कोई ना, चार के लिए हम लोग फटाक से चार बना लेंगे। तो बनाते हैं फिर आपको मिलते हैं। चलो भाई देखते हैं, अभी हमारा हो जाना चाहिए कूलर। और कूलर से पहले हम लोग को भाई यहाँ पे लगाना पड़ेगा आयरनिंग गट बनाने के लिए। चलो 10 तो बनेगा, फटाफट हो आएगा यहाँ पे ना, कितनी जल्दी बनेगा लिटरली। मैं उसको फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूंगा, आप देखो। एक दो, बहुत फास्ट है अगर इसके अंदर हम हेल्प ही करें तो। अच्छा हम हेल्प ही नहीं कर सकते क्या इसमें? वाह ये क्या कर रहा है भाई, वो तोड़ रहा है। मेरे को लगा भाई पता चले स्किल फालतू में बिगाड़ रहे हैं। यहाँ पे एक और बन चुका है क्या? एक नहीं, अभी इसको बहुत टाइम है। मैं गाइस आपसे सजेशन देना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो मैं एग का टाइम जीरो कर दूँ, क्योंकि जो हम लोग को नया नया एग मिलेगा, ह्यूज एग मिलेगा, वो भी हम डाल सकते हैं। अगर आप चाहो तो ही मैं ये करूंगा, वरना मैं नहीं करूंगा, अपने टाइम से आराम से कर सकते हैं। तो कर भी लिया गया इसने, तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर मेरे को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अरे अरे अंदर आ जा, अंदर आ जा भाई, अंदर आ जा। चलो अब कूलर बनाते हैं। कूलर तोड़ना भी पड़ेगा ना यहाँ, क्योंकि भाई हम लोग को इस बेस पर सब कुछ बनाया हमने भाई, क्या ही बोलूँ मैं। यहाँ से अभी सब तोड़ के लेके जाएंगे भाई, हम लोग नया बनाने वाले हैं। या तो एक काम करेंगे, इसको यहीं पे रहने देंगे और वहां पे एक नया बनाएंगे, बस यहाँ से सारे पोकेमॉन्स ले लेंगे, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे मेरे एक भी पोकेमॉन छूटे। बट इस बेस को ऐसे रहने देंगे ताकि हम लोग अगर फास्ट ट्रैवल कर रहे हैं तो कभी कभी यहाँ पे भी फास्ट ट्रैवल कर लेंगे, अपने को टेंशन नहीं है। अपग्रेड करते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे हम लोगों ने मैक्स मैक्स कर दिया क्या? अपग्रेड नहीं, मैक्स तो नहीं किया। ओके क्या मैं शायद तक एक और बना सकता हूँ? ओके मैं एक बना सकता हूँ यहाँ पे, तो बनाएंगे तो पास में तो बनेगा इंडिया, टू क्लोज टू बेस। ये तो हम लोग बना सकते हैं अब जाके। तो एक काम करते हैं, पहले एक जगह ढूंढते हैं अच्छी सी भाई। जगह तो ठीक है, मेरे को नाइटविंग का सैडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि भाई नाइटविंग से उड़ के आ सकते हैं भाई। नाइटविंग हम लोग बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। नाइटविंग 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 के लिए हम लोग क्या चाहिए? क्लोथ्स और आयरन इंगट। अरे भाई ये लोग ना कभी भाई हम लोग को करने ही नहीं देंगे भाई। क्लोथ्स आयरन इंगट, क्लोथ्स तो चलो बन भी जाए बट आयरन इंगट के लिए बहुत टाइम लगता है भाई। तो मैं एक काम करता हूँ ना गाइस, एक जगह ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे ये मंकी बनाता रहेगा। एक काम करता हूँ कि एक बार फाइट करके आता हूँ पैंकिंग से। यार मेरे को हराने का पता नहीं क्यों बहुत मन कर रहा है उसे, क्योंकि इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा और नया बेस बनाने आपको पता ही है कितना ज्यादा टाइम लगता है भाई। इस एपिसोड में पैंकिंग तो भाई जाने वाला है बेटा भाई, ये पैंकिंग नहीं बचने वाला अब, क्योंकि भाई मेरे को पता है कैसे मारना है उसे। वेपन इस टाइम वेपन की जरूरत कहाँ है? अरे हम तो ये भी नहीं लेके आए। ठीक है भाई हम लोग पहले ट्राई करेंगे कि हम लोग पाल स्पीयर्स में बना लें। अगर पाल स्पीयर्स में बन गया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब वो पकड़ा गया तो, क्योंकि मेरे को पकड़ना भाई बॉस पोकेमोन को। डिफीट तो कर ही देंगे, पकड़ भी लेंगे। अगर पकड़ नहीं पाए तो नेक्स्ट टाइम पकड़ना पड़ेगा। भाई साहब यहाँ पे आते ही ना ऐसा डर सा लगता है ना मेरे को कि क्या बोलूँ मैं अब। अबे अच्छा इस पे अटैक कर, रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे। यहाँ पे ये अटैक मारा, आप देख रहे हो कितना कम एचपी हो गया ये। भाई साहब यहाँ पे नाइटविंग को बचाओ और यहाँ पे अफजा मारने के लिए लेट्स गो। मेरे को मार रहे हैं लोग और मेरे को बचना है भाई सबसे, तो दूर भी रहना और बचना भी है। भाई क्या ट्रेसिंग करते हैं ये लोग भी। मैं क्यों आ गया भाई उसके जाल में, मैं कैसे मर भाई? पैंकिंग को मारने के लिए, और इस बार हमारा नाइट विंग का लेवल है 15 और मैंने इस बार मेगा शील्ड पहनी है भाई। इस बार मेरे को अपने अटैक से बचना, मतलब उनके अटैक से अपने आपको बचाना है, और मैं यहाँ पे नाइट विंग और अपना क्या बोलते हैं यहाँ पे एक टीडियर को डालते रहूंगा, बिकॉज वो दोनों ज्यादा पावरफुल है और वो दोनों ही इनको मार पाएंगे भाई। मैं अपने कुछ लेके नहीं आया, अरे यार मेरे को एरो बना के लाना था पॉइजन वाले, ताकि मैं ज्यादा डैमेज दे पाऊँ उन्हें, बट ठीक है कोई ना।
को इस पे अटैक करवाना है ना, ये जो है इस पे अटैक करना है मेरे को जाते ही। नो वे बे, सीधा उसको स्टक ही कर देते हैं। और देख रहे हो पैंकिंग को मार पा रहा है, बहुत अच्छा डैमेज दे रहा है पैंकिंग को, बट बार बार वही चीज नहीं कर पाएगा, समझ रहे हो तुम, वो डैमेज नहीं दे पाएगा बार बार। डालते हमारी शील्ड को थोड़ा सा डैमेज दिया, मिनी वॉल ज्यादा उतना अच्छा नहीं है, बट वो यार ठीक है, इस बार ज्यादा तगड़ा फाइट कर पा रहा हूं मैं कायदे से। ठीक है यहाँ पे सरपेंट अच्छा मार रहा है, नाइटिंग तू जा यहाँ पे, इसको तो मैं डंडे से मारता हूँ। लेट्स गो, यहाँ पे एक को मार दिया, नाइट भी यहाँ पे मरने वाला है भाई हमारा। पैंकिंग कहाँ गया मोटा वाला, वो मेरे पीछे ही है ये। लेट्स गो, अब कौन बचाएगा तेरे को, ये ले छोटे वाले से मार के, अब तो तू पैंकिंग मरने ही वाला है चाहे जो भी हो जाए। अब तेरे यहाँ पे छुटके उठके भी नहीं है जो तू कर पाएगा कुछ मेरे लिए। छोटू का अटैक था भाई साहब, 124 का अटैक लौंडा मार रहा है बहुत ज्यादा तगड़ तगड़। अच्छा कि भाई इस बार मैंने इलेक्ट्रिक टाइप दो पॉकेबल लाए और एयर टाइप लाए हैं, डैमेज देख रहे हो आप भाई इन सब के। और यहाँ पे इसको सेट करने दे, ओके गया ये, गया ये बंदा गया, 200 का डैमेज पक्का है, 200 का डैमेज, 178 का डैमेज। मेरे को लगता है यही मार देगा भाई, यूनिवर्टी उसको पूरा खत्म कर देगा। मेगा स्पीयर लगाकर रखते हैं अपने, अगर ज्यादा डैमेज हुआ तो हम लोग पकड़ लेंगे उसे। अरे क्या कर पाएगा भाई, तू अब जा चुका है पैंकिंग, यू आर डन भाई, इसको बचाना पड़ता है इस अटैक से। मैं इसको नाइटरिंग से ही मराऊंगा, जब बोला स्टार्टिंग में वीडियो के, और नाइटरिंग ज्यादा डैमेज देता है नो, बट उसको थोड़ा सा, और मेरा यार शील्ड टूट गया फक, और मैं एक अटैक में मर जाऊंगा। और मेरा नाइटरिंग जाते हुए नहीं करना था जबरदस्ती नाइटरिंग के साथ मेरे को, उसकी पहले हेल्थ अपग्रेड हो जानी थी मेरे को। छुटकू से मार खा तू, वो नहीं है ये बंद हो जाएगा भाई, क्या टाइम पे पकड़ा है मैंने इसे, क्या कैप्चर होगा, क्या कैप्चर होगा, ओके मेगा स्पीयर है, लेट्स गो भाई, हमने यहाँ पे पैंकिंग को मार दिया फाइनली। फाइनली हमने पैंकिंग को यहाँ पे मार दिया, और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि भाई इतने साल बाद मारा, बट हमारा नाइटिंग मारा गया। ए अंदर आ जा भाई तू, देखो तो राइड करके जाऊंगा, यहाँ पे कोई चेस्ट है क्या उसकी, पता चले चेस्ट वेस्ट छोड़ के आ रहा हूँ मैं उसकी। यहाँ पे सब सामान वामान उठा लेते हैं भाई, तुम भी मरे हो, चेस्ट तो नहीं है यहाँ पे किसी की भी, ठीक है भाई। पर यहाँ पे हमने कैप्चर कर लिया भाई बॉस पैंकिंग को, अब मजा आएगा ना भाई, ज्यादा मारता ना हम लोग, अब उस पर काम करवाएंगे भाई, झाड़ू पोछा लगवाएंगे, मजा आ गया, लेट्स गो। एक चिड़िया तू बाहर आ जा, आ जाते राइड करते हम लोग, और चलते फटाक से बेस के अंदर, हमारे नया बेस की प्लेस तक नहीं ढूंढी भाई, क्योंकि हम लोग को इसको मारना था, और भाई मार के ही रहे आखिरकार, मजा आ गया भाई साहब। पैंकिंग मर चुका है गाइस, अब आने वाला है एपिसोड्स के अंदर मजा, क्योंकि अब मैं मारने वाला हूँ बड़े बड़े बॉस भाई, और अच्छे अच्छे मैं अभी पॉकेमॉन्स लेके जाऊंगा। अरे आते अटैक भाई, अच्छा उन्होंने सेट ही करके रखा है ना अटैक का, ज्यादा दो। और यहाँ पे हमारे बेस पे देखते हैं आके कहाँ है हमारा पैंकिंग बॉस वाला, नेटविंग बंदर डाल देते हैं क्योंकि वो अभी हील होगा, कहाँ है भाई ब्रो, इसका साइज देखो तुम, और कैसे उठ रहा है ऐसे मारते इसको, देखा है बोले झाड़ू पोछा पानी भरवा रहा हूँ भाई पानी, शर्म आनी चाहिए, बंदर भी हंस रहा है देख रहा है, बंदर भी तेरे पे हंस रहा है। तो यार यहाँ पे ये होता रहेगा, एक काम करते सुबह करते और अब जाते हम लोग प्लेस ढूंढने अच्छी सी, क्योंकि भाई मैंने स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर चुका है, अभी तक प्लेस भी नहीं ढूंढी है मैंने, तो जाना पड़ेगा फटाक से हम लोग को प्लेस ढूंढने के लिए। और अब आने वाला है एपिसोड्स के अंदर मजा, आपको ये वाला खाली है क्या, तो इसके अंदर डाल देते हैं हम लोग, पहले स्लॉट्स कर देते हैं, यहाँ पे मेगा स्पीयर रहने दो, बुलेट्स को डाल देते हैं क्योंकि बुलेट्स की हमें जरूरत नहीं है भाई, जैसे हम लोग ने मेगा शील्ड बनाया और उनके छोटे मोटे को मारा, अभी कूलर बनाया तो है, यहाँ पे डाल दो ना ब्रेड। अरे भाई जा ही नहीं रहा है, क्या ही बोलूँ मैं, और भाई यहाँ से गायब पिछले कर दिया अभी, ये लोग खा लिए, ठीक है भाई ये लोग अभी खान दो, इन्हीं के लिए मैंने बनाया है। तो एक काम करते हैं जाते हैं प्लेस ढूंढने के लिए, प्लेस ढूंढने से पहले मैं सोच रहा था हम लोग, वो मैंने क्या हुआ भाई उसे, आ जाओ भाई अंदर आ जाओ तू, ए भाई तू भी अंदर आ जाओ,
तेरे को क्यों ना चढ़ पाऊंगा, यहाँ पे कमांड डाल देता डोंट अटैक, और हम लोग जा पाएंगे एक फिडियर के ऊपर। बैठा दे भाई बैठा दे, पहले ही भग जाएगा। प्लेस ढूंढते कोई अच्छी सी खाली प्लेस चाहिए, और इसे थोड़ा दूर बनाऊंगा मैं, और ऐसे एरिया बनाएंगे मतलब जहाँ पे अच्छा लगे खेलने में, मतलब खेलने में भी और हमारा शुभम भी अच्छा हो भाई। मेमोरेश तू भी किसी ना किसी दिन मरेगा मेरे हाथों भाई, तू भी मरेगा किसी ना किसी दिन। तो फटाक से आते हम लोग ढूंढने के लिए कोई प्लेस। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बेस बना दू, यहाँ पे ही बहुत प्यार। अबे इस पहले सुअर को खत्म करो भाई, यहाँ से एक अटैक और ये दो अटैक खत्म। वहां पे एक और एक दिख रहा है मेरे को भाई साहब, ये प्लेस मेरे को सबसे बेस्ट लग रही है, मैं यहीं पे घर बनाने वाला हूँ। पहले तो एक और सुअर, चलो यहाँ भाई वो पहले भाग गया। अब यहाँ पे प्लेस ढूंढते हैं, आयरन तो छोड़ देंगे, इधर बनाएंगे जहाँ पे हम लोग। भाई व्यू क्या प्यारा व्यू है, तो खड़े खड़े मर गए भाई, इतने सुअर आएंगे तो भाई मेरा तो बिल्ड भी परेशान हो जाऊंगा मैं। ठीक है यहाँ पे बनाते हैं बिल्ड, ठीक है इधर बनाएंगे हम लोग बिल्ड। भाई साहब हमारा सेकंड मिल फाइनली बनने वाला है, और बहुत प्यारा बिल्ड बनाने वाला है भाई। मैं ऐसा नॉर्मल सा नहीं बनाऊंगा, लकड़ी का जितना भी लकड़ी लग जाए। ओके अब यहाँ पे हम लोग सी दबाएंगे, सी क्या एफ दबाएंगे, यहाँ पे भी हम लोग पॉकीमोन्स डाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पे जो काम करने वाले पॉकीमोन से उसको उतारते हैं, जैसे कि ये हाथ बटाएगी हमारा, डेजी हाथ बटाएगी, फॉक्स पर हाथ नहीं बटाएगा हमारा, ये भी नहीं बटाता है हाथ, वहां से उठाने पड़ेंगे दो तीन। ठीक है यहाँ पे दो तीन तो ला दिए, पहले तो इनके लिए मेरे को बेड बनाने पड़ेंगे ताकि ये लोग मेरे लिए काम करें। बेड के लिए भी वुड वुड नहीं है, चेस्ट बना सकता हूँ क्या खाली, ताकि चेस्ट चेस्ट भी नहीं बना सकता भाई मैं। तो एक काम करते हैं फटाफट टीपी मारते हैं हम लोग हमारे पुराने बेस पे, ज्यादा दूर नहीं बनाया बट ठीक है, इतना दूर भी अच्छा है, ऊपर हम लोग जाके वो तोड़ सकते हैं मतलब अपना आयरन इंगट। यहाँ पे भाई ये उठा लो, किसी काम का भी नहीं है वैसे तो। अभी मेरे को चाहिए वुड ना, हाँ इतनी सारी तो वुड है, ओवरलोड हो गया। नहीं सर मेरे को स्टोन्स भी लेके जाने हैं भाई, एक काम करते हैं वहां पे आके चेस्ट बना लेंगे फिर लेके आ जाएंगे। खाली हुआ क्या भाई, चेस बनाना है खाली भाई, थोड़ा सा तो स्टोन दे दे। चलो ठीक है खाली हुआ, जाते हैं फटाक से यहाँ पे, बहुत टाइम भी लगने वाला है हमारा सेकंड बेस, बहुत तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो टाइम लगने वाला है। यहाँ पे लाशी बिछा के रखी है भाई, इन लोगों ने मार दिया क्या, और ठीक है भाई अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं पहले बनाते हैं यहाँ पे चेस, जिसपे हम लोग सामान रख पाएंगे, और ये चेस भी एंड टाइम पे तोड़ दूंगा भाई, क्योंकि हम लोग भीड़ बनाने वाला है इस तरफ से। चलिए ठीक है, डिनोसॉर जब हमको कोई छेड़ेगा तब हम उनको मारेंगे, नहीं छेड़ेगा तो भाई किसान तो मारने का कोई फायदा ही नहीं है उनको। ठीक है भाई चिकन मैं भी डाल देता हूँ भाई, मैं क्या पकड़ी तो भाई सब शॉर्ट कर देते हैं, इसके अंदर से जितना भी लकड़ी है हमारे पास, ये लकड़ी सब खत्म हो गया क्या, तो ये तो रहा लकड़ी स्टोन और क्या है लेदर, ये चूली सिंगड़ा ये भी डाल दो भाई, ये भी डाल दो, और तो ठीक है जान दो उसे सबको। काम करते हैं और मैं कितने पॉकीमोन डाल पाऊँ, 1 2 3 4 5, और मैं 10 पॉकीमोन डाल पाऊंगा। ठीक है भाई ये भी सही है, और मैं यहाँ पे बिल्ड बनाना चालू करता हूँ पहले ग्राउंड का, फिर बिल्ड करो। यहाँ पे चार चार का बना देते, काम करते हैं चार का, ठीक है तो यहाँ से भी एक दो, ठीक है भाई लकड़ी लेके आनी पड़ेगी, फटाक से लकड़ी लेके आते हैं दूसरे बेस से। अब ये लोग क्या करते रहेंगे, आवाज ही करते रहेंगे क्या, सबके सब तो नीचे गिर गए हैं। ठीक है भाई जान दो, वो लोग आवाज ही कर रहे थे, यहाँ से लकड़ियाँ लेके आ तो रहे हैं ये लोग, इसके अंदर डाले क्या लकड़ियाँ, एक वुड डाला है, 3 वुड हुआ है भाई, 3 वुड में चलो एक और एक तो बन जाएगा कम से कम, एक और के लिए एक ही वुड चाहिए, तो यहीं से तोड़ लेते फटाक से भाई। हमारे पास अब पेंटिंग भी आ चुका है, बहुत कुछ आ चुका है भाई, हमारे पास अब जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे लगा देते हैं ठीक है। और अब यहाँ पे हम लोग को वॉल से भरना पड़ेगा ये, तो भाई वॉल भी बनाना पड़ेगा यहाँ पे। यहाँ पे यार मैं
ओ अटैक एंड हो गया भाई, अपने आप की अच्छी बात है। फटाक से आते हैं यहाँ पे, यहाँ से हम लोग को सारा सामान धीरे धीरे करके लाना पड़ेगा भाई। पहले बात तो हम लोग को गुड़ चाहिए रे, गुड़ ज्यादा ना हो जाए ना। एक काम करता हूँ ना, मैं अपना बैग खाली कर देता हूँ यहाँ पे, रुको शॉर्ट करता हूँ यहाँ से। एक काम करता हूँ भाई, खाना खाना नहीं चाहिए अभी के लिए, उतना खाना नहीं चाहिए, दवाई भी नहीं चाहिए भाई मेरे को अभी के लिए, फिर लोखंड भी नहीं चाहिए, आयरन इंगट भी नहीं चाहिए अभी के लिए। भाई आयरन इंगट भी अपने पास ही रखो तुम, और क्या कर, और कुछ नहीं कर सकते क्या हम लोग? ये इसके अंदर क्या है? ये तो पूरा खाली है ना, ये भी ले दो, ये भी ले लो भाई। अभी मेरे को इक्विपमेंट चाहिए, ड्रैगन फ्रूट भी ले लो, स्मॉल पाल्स भी ले लो मेरे को भाई। अभी के लिए इक्विपमेंट्स लेके जाना है अपने, भाई बुल भी उठा के अपने पास रख लो, ठीक है भाई, और क्या कर सकते हैं। चलो थोड़ा बहुत भाग तो पा रहा ना, इतने में ठीक है। तो सी की दवा ने बी दवा देता भाई बार बार, मजा आने वाला भाई। अब तो यहाँ पे बिल्ड हो चुका है आधा हमारा, आधा अधूरा। वॉल बनाते हैं, एंट्री हम लोग यहीं से रखेंगे क्योंकि हम लोग टीपी मारने चाहिए तो यहीं पे आने चाहिए हम लोग। तो ये रखो, दो गेट की एंट्री रखेंगे हम लोग, एक दो गेट की, फिर यहाँ पे एक और, फिर यहाँ से कवर कर देंगे, यहाँ से कवर कर देंगे, यहाँ से कवर कर देंगे, ठीक है। एक खिड़की वहां पे बना देंगे, दो खिड़की यहाँ पे बना देंगे, और यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख के, एक खिड़की उस तरफ है तो इसमें एक खिड़की यहाँ पे बना देंगे, ठीक है। तो फटाफट देखते खिड़की का, ये रहा, और एक ये रहा यहाँ पे खिड़की, इधर दो खिड़की बनने वाली है, ठीक है। यहाँ पे अब डोर बनने वाले हैं, डबल बड़ा मेगा डोर नहीं है क्या यहाँ पे? तो अपने को एक काम करते हैं ना, यहाँ पे दो डोर बना देंगे, एक दो, ठीक है। पर ये दो पार्टीशन लग रहा है, ठीक है, पार्टीशन भी सही है। अपने को क्या करना, इधर क्या? अच्छा ये रेंज के बाहर जा रहा है ना, ठीक है भाई कोई ना। भाई साहब यहाँ पे फ्लोरिंग बन चुका है, ऊपर अब बनाते हैं यहाँ पे सीढ़ियाँ। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ मेरे को ऐसी चाहिए, ऐसी बोल, इस तरफ से भी चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ चाहिए अंदर से हम चढ़ सके। और ऊपर अब बनाते हैं रूफ, रूफ ये रहा एक। अरे वाह, अरे भाई, अरे यार इसको कैसे तोड़ूंगा मैं? मैंने ये क्यों बना दिया, ढक दिया भाई, खुद की गलती में आ गया मैं। ये रूफ को हटाते कैसे है? सी से कर देते ना सी। अबे क्या था, ये दवा सी दवा दो। ओके भाई समझ गया कैसे करने का। अब मैं एक सेकेंड ना यहाँ से बैक कर देता हूँ एक काम, भाई जो बाहर लगा के रखता है एक्स्ट्रा। चलो भाई एटलीस्ट भाई हम लोग को कुछ तो पता चला कि कैसे हटाते हैं, जब बिल्ड गलत हो जाएगा तो हटा सकते हैं। अबे घर के अंदर कहाँ चढ़ रहा है पगले? अपना रूफ का है येरा, वुडन रूफ यहाँ पे लगाना है हम लोग को। अरे भाई अभी तो मेरा मतलब लुक देख रहा हूँ कितना प्यारा लग रहा है, और ये लकड़ियों का है भाई। तुम सोचो अगर ये लकड़ा मतलब लकड़ा का बना दे ये, अगर हम लोग किसका बनाते हैं अपना स्टोन ये सब का बनाते कितना प्यारा लगता है। बट ठीक है भाई, लकड़ी का भी घर अच्छा है। जब हम लोग और एक और जब घर बनाएंगे ना, वो बिल्ड सबसे ज्यादा फाड़ बनाने वाला हूँ, जब हम लोग बहुत ज्यादा मतलब ग्रेड कर देंगे अपने आप को। मैं यहाँ पे लकड़ियाँ लेने आया हूँ भाई, इधर कितनी लकड़ियाँ भाई, 1,000 लकड़ियाँ थी यहाँ पे भाई साहब। देख रहे मेरा बंदा चलने लायक नहीं है, बाप रे बाप भाई, बंदा चलने लायक ही नहीं है। इसको कहाँ तक लेके जाएंगे? फटाफट ट्रैवल करते हैं यहाँ पे। मेरे को चेस्ट में थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, काम करता हूँ ना थोड़ी सी चेस्ट में डाल दूंगा, क्योंकि भाई इतना इतना स्लो तो काम नहीं करना भाई मेरे को। एक काम करो, जितनी भी लकड़ियां सारी पहले निकाल दो, यहाँ से शिफ्ट करो, यहाँ से शिफ्ट करो, यहाँ से शिफ्ट करो, 170 दे दो भाई, ये भी बहुत ज्यादा होती है वहां कसम।
भाई 85 भी ज्यादा हो रही है क्या भाई इनको? ठीक है भाई, 85 भी ज्यादा हो रही है भाई उन लॉन्डो को। लॉन्डो है क्या बोल रहा हूँ, मतलब गेम वालों। यहाँ पे जंप क्यों मार रहा हूँ? ये अंधेरा है, यहाँ पे भी कुछ देखेंगे, सॉल्यूशन देखेंगे ये अपने कैसे अच्छा ला सकते हैं। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग ने पूरा लूप पूरा कर चुका है, और यहाँ पे हम लोग ने 10 बेड भी लगा दिए हैं जो लग रहे हैं। यहाँ पे लाइटिंग के लिए हम लोग ने पुराने जमाने वाला ही लाइटिंग किया है ताकि अच्छा लगे दिखने में। यहाँ पे हम लोग सेकंड फ्लोर रखने वाले हैं पूरा पॉकीमोन्स के सोने का, इसको ही माउंट कर देते हैं हम लोग, अच्छा दिखेगा, ग्लो भी होगा। और ये जो थर्ड फ्लोर है ये हमारा फ्लोर है, तो यहाँ पे भी बेड कहाँ है हमारा? वेट अ सेकंड, यहाँ पे लगाएंगे हम लोग बेड। बेड लगाना है हमें ऐसे इस खिड़की के इधर, काम करते ये खिड़की पे लगाते हैं, ये खिड़की पे अच्छा लगेगा भाई। 20 सेकंड लगेगा ऐसे बिल्ड करते हैं। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बहुत स्टोरेज रूम रखने वाले हैं जिसके अंदर हम लोग ड्रैगन फ्रूट्स, जो मतलब ओपी ओपी चीज है, जो मतलब मेरे को लेना पड़ेगा, मतलब बहुत टाइम में एक बार लेना पड़ेगा, दो बार लेना पड़ेगा, वहां पे हम लोग ये सब रखने वाले हैं। और थोड़े बहुत चेस्ट यहाँ पे बना ही लेता हूँ मैं, अभी आपको बोला ये तो। एक चेस्ट यहाँ पे बनाना है मेरे को, और एक चेस्ट इसके बाजू में बनाएंगे हम लोग इस तरफ में। और एक काम करते हैं ना, एक ही बाजू में बना के रखते, क्योंकि भाई मैंने थोड़ी सी प्लेस वैसी ली है। हाँ तो भाई लोग यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पूरा बेस यहाँ से खाली कर चुका है, और वहां पे आके पूरा बेस बना दिया। मैं थोड़ा बहुत सामान यहाँ पे रहने दे रहा हूँ, जैसे कि कूलर, कि कभी अर्जेंट में आने के लिए हुआ तो यहाँ पे हम लोग आ सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एग वेग डाल सकते हैं। ये सब हम हमारी यादें के लिए रखेंगे कि जब भी हमें आने का मिलेगा तो हम आएंगे यहाँ पे। ये हमारा एक घर होता था, इसे क्लोज करते हैं। याद बहुत आई क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से की है, बट जो नया घर बनाया वो बहुत ज्यादा अच्छा है, तो फटाफट ट्रैवल कराता हूँ आपको नए घर में। देखने में बहुत अच्छा है और अंदर से भी मैंने बहुत अच्छा बनाया है। उसके अंदर डेकोरेशन नहीं किया, बट आप ये देख सकते हो, ये रहा हमारा नया घर भाई साहब। और क्या चाहिए भाई हमें? यहाँ पे मैंने दो चेस्ट लगाया था क्योंकि मैं टेलीपोर्ट करा था पूरा सामान लेके, तो बहुत ज्यादा भारी भारी वजन नहीं उठा पाता था। वहाँ पे हंगरी है कोई पेट? अबे पेट कहाँ अटक गया क्या? आई डोंट नो भाई, वो कहाँ तो चला गया भाई साहब। ठीक है उसको देखते हैं, उसको सेट करते हैं एक बार, कहाँ पे वो हो चुका है। यहाँ पे हमने रैंच बना चुका है और बहुत सारी चीजें जितनी होती है सारी की सारी चीजें बना चुकी है। पूरा घर आपको दिखाता हूँ अंदर से, कि अंदर मैंने क्या क्या डाला है। यहाँ पे वर्क हो चुका है भाई, ठीक है डाइनिंग रूम बना देते हैं। यहाँ से गेट खुलते ही नीचे वर्कशॉप मिल जाएगी, नीचे दो वर्क बेंच है सादा वाली, और यहाँ पे मेडिसिन बना सकते हैं। यहाँ पे रिपेयर बेंच है, यहाँ पे दो है जो अपना पार्स पियर्स पार पार्स पियर्स बोल रहा हूँ सॉरी, अपना अपना पार्स का जो वो होता है क्या बोलते हैं उसे, वर्क बेंच वो है। यहाँ पे है हमारा हार्ड वर्क बेंच, यहाँ पे मैंने डाला है कि अर्जेंट में आके दो भी कुछ भी मतलब अर्जेंट में आके निकालना, तो यहाँ पे हम सामान निकाल सकते हैं। सेकंड फ्लोर पूरा पाल्स के लिए, ये ऊपर आके पूरा रेस्ट लेंगे। और थर्ड फ्लोर है हमारे लिए, ये रहा हमारा बेड, और यहाँ पे हमने रखा है ओपी ओपी चीज है, ये सब आप देख सकते हो। तो इसको मेरे को आधे से ज्यादा यूज नहीं पता, यहाँ पे सारे फ्रूट्स रखे मैंने ताकि कोई नीचे से चुरा के ना लेके चले जाए। और यहाँ पे आप देख सकते हो आयरन ये सब रखा है, पूरा फुल है आधे से ज्यादा, आधे से रखे पूरा आधे से ज्यादा फुल ही करके रखा है। यहाँ पे फुल भी रख देते हैं, यहाँ पे अपने अपने को जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी ठीक
ठीक है, जितना सामान है यहाँ पे रहने। ओके गाइस, तो हम लोग जाते हैं बाहर। अरे बाहर से आपको दिखाते हैं बाहर में हम लोग क्या क्या लाया है। ये घर के बीच में मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ये अच्छा लग रहा था और लुक भी बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे घर का, इसलिए हमने ये बीच में लगाया है। और घर हमारा देख सकते हो तो पूरा आउटलिंग कैसा लगता है, इतना प्यारा लगता है हमारे, इतना बड़ा घर है ये कि क्या ही बोलो भाई साहब। यहाँ पे हमने हॉट स्प्रिंग लगाई है हमारे पेट्स के लिए, दो लगाई है कि यहाँ पे लगाई है उस तरफ लगाई है, वो देखो नहा रहा है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक दो। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।